नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। राजस्थान के उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र से ये खबर है। कमोल गांव में एक पैंथर मारा गया। जी हां, एक पैंथर मारा गया है। कमोल ग्राम पंचायत क्षेत्र में 4 से अधिक पैंथर होने की सूचना है। कमोल ग्राम पंचायत मुख्यालय है। गांव के आंगनबाड़ी केंद्र के पास में देवाराम गमेती का मकान है। मकान के परिसर में पशुओं का बाड़ा है, जिसमें भैंस, बैल व बकरियां बांधते हैं। दो बेटे हैं, एक बेटा अपनी पत्नी बच्चों के साथ देवाराम के पास ही रहता है और दूसरा बेटा अपने परिवार के साथ दूसरे मकान में रहता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार अल सुबह 3 बजे करीब देवाराम के मवेशी अचानक रंभाने लगे। देवाराम कमरे से निकलकर बाहर आया, उसने देखा कि पैंथर आया हुआ है और भैंस के बछड़े पर हमला करने वाला है, तो वो लाठी लेकर पैंथर को भगाने के लिए दौड़ा। इस दौरान पैंथर के नाखूनों व दांतों से उसके दोनों हाथ बुरी तरीके से जख्मी हो गए। उसके चिल्लाने से उसके परिजन व आसपास के लोग भी लाठियां लेकर मौके पर पहुंच गए और पैंथर पर हमला कर देवाराम को बचाया। ग्रामीणों के हमले से पैंथर अचेत होकर वहीं गिर गया। वहीं ग्रामीणों ने घायल देवाराम को पदराड़ा CSC पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे उदयपुर के MB अस्पताल में रेफर कर दिया गया। 108 एम्बुलेंस के चालक दीपक कुमार व EMT गणेश पाटीदार ने घायल को उदयपुर अस्पताल पहुंचाया। उधर सूचना मिलने पर सायरा रेंजर सुनील कुमार पिंजरा लेकर टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं सायरा थाना अधिकारी प्रवीण सिंह भी जाप्ते के साथ मौके पर गए। रेंजर सुनील कुमार ने बताया कि वे जब मौके पर पहुंचे तब तक पैंथर मर चुका था। उसके शव को रेंज कार्यालय में लाया गया तथा गोगुंदा से पशु चिकित्सक बुलाकर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। उन्होंने बताया कि रेंज के पास ही पैंथर का दाह संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि कमोल के झरगा आंबा के पास एक खदान है और उस खदान में पैंथर का पूरा कुनबा रहता है। पदराड़ा के आकरिया भील बस्ती में 2 दिन पहले ही पैंथर दिखाई दिया था। विभाग को अवगत कराने के बावजूद पैंथरों का रेस्क्यू नहीं किया जा रहा है। अचानक हर गांव में पैंथर दिखने लगे हैं, इससे लोग भयभीत है। 10 अक्टूबर को अल सुबह एक पैंथर ने पदराड़ा के पूर्व सरपंच हरि सिंह रणावत के गाय के 2 बछड़ों को मार दिया था। ढोल ग्राम पंचायत में गत दिनों पैंथर 3 लोगों पर झपट चुका है, वहीं कई मवेशियों का शिकार कर चुका है। वन विभाग को पदराड़ा, कमोल, ढोल, नांदेशमा और बोखाड़ा में पिंजरे लगाकर पैंथर को पकड़ने चाहिए। यहाँ ग्रामीण भी यही मांग कर रहे हैं। बहरहाल ग्रामीणों की मांग वन विभाग पूरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या इस तरह के पैंथर के द्वारा मनुष्य के ऊपर हमले और मनुष्यों के द्वारा पैंथर के ऊपर हमले जारी रहेंगे।